नमस्कार दोस्तों, वेदारम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका आर कुमार। दोस्तों, हमारे समाज में बेटा या बेटी होने के लिए महिला को ही जिम्मेदार माना जाता है। अगर किसी महिला को सिर्फ बेटियां ही बेटियां होती हैं तो हमारे समाज में उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये महिला है ही ऐसी, या उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि इसे सिर्फ बेटियां ही होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने के लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि पुरुष जिम्मेदार होता है बेटा या बेटी पैदा होने के लिए, क्योंकि महिला के पास सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र ही होते हैं और पुरुष के पास एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो बेटी पैदा होती है, और अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो बेटा पैदा होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पति पत्नी अपनी डाइट में परिवर्तन करके, मतलब अपने खान पान में गर्भधारण से पूर्व परिवर्तन करके मनचाही संतान कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी कि अगर किसी को बेटा चाहिए तो उन्हें अपने खान पान में क्या परिवर्तन करने चाहिए और बेटी चाहिए तो अपने खान पान में क्या परिवर्तन करने चाहिए। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेटा होने के लिए कौन सी डाइट खानी चाहिए इस बारे में बता रही हूँ। अगर किसी दंपत्ति को बेटी चाहिए तो वो इस डाइट को बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, तो वो डाइट बेटी होने के लिए सपोर्ट करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि बेटा होने के लिए वाई स्पर्म जिम्मेदार होता है, और वाई स्पर्म जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, यानी कि उसकी जो इम्यून पावर जो होती है वो वीक होती है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, और जो वाई स्पर्म जो होता है वो दौड़ता भी जल्दी है, यानी कि एक्टिव भी ज़्यादा होता है। यही वजह होती है कि वो जल्दी ही डैमेज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और महिला का जो एग है वो रिलीज होने के 24 घंटे तक जीवित रहता है। वैसे तो जो स्पर्म जो होते हैं वो 4-5 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन जो वाई स्पर्म जो होता है उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 2 दिन का होता है, यानी कि 2 दिन के बाद सिर्फ एक्स स्पर्म ही जीवित रहते हैं, वाई स्पर्म जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो पति पत्नी को ऐसी डाइट खानी चाहिए जो वाई स्पर्म को सपोर्ट करे, उसकी इम्यून पावर को बढ़ाए, अगर आप बेटा चाहते हैं तो। तो वाई स्पर्म के लिए महिला की बॉडी का जो एनवायरनमेंट जो होता है वो एल्केलाइन बेस्ड होना चाहिए। एल्केलाइन से मेरा मतलब जो है, जैसे कि पीएच लेवल होता है, आपने सुना होगा साइंस में हर चीज का पीएच लेवल होता है, तो पीएच लेवल जब 7 से ज्यादा होता है वो सब एल्केलाइन एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, और जो पीएच लेवल जो है वो 7 से कम होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। पति और पत्नी में से पत्नी को ऐसी डाइट खानी चाहिए जो एल्केलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करे उनकी बॉडी के अंदर। एल्केलाइन एनवायरनमेंट जो होता है वो वाई स्पर्म के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक जो है एल्केलाइन एनवायरनमेंट में वाई स्पर्म जो है वो जीवित रह पाता है। इसके अलावा महिला की बॉडी में सोडियम पोटेशियम मिनरल्स की मात्रा जो होती है वो खूब होनी चाहिए, क्योंकि जो ये सोडियम पोटेशियम और मिनरल्स जो होते हैं वो वाई स्पर्म को एग से मिलवाने के लिए बूस्ट करते हैं, उसे धक्का देते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में मौजूद होंगे उतनी ही जल्दी वाई स्पर्म जो होता है वो जल्दी से एग के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मदर की डाइट की। तो डाइट प्लान बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये डाइट आपको स्टार्ट कब से करनी है। जब आप कंसीव करने का प्लान बना रहे हैं उससे 1 से 3 महीने पहले आपको ये डाइट फॉलो करनी है। मदर को अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए, जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम विटामिन सी आदि भरपूर मात्रा में हों, कैलोरीज से रिच हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, बादाम एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड थिंग जो आती है वो मदर को अपनी बॉडी का शुगर लेवल जो होता है वो हाई रखना चाहिए, यानी अप रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ खाना खाते रहना चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद में कुछ ना कुछ खाता रहना चाहिए। ध्यान रखें कि शुगर लेवल एक लिमिट से ज़्यादा भी क्रॉस ना करे, वरना ये प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। माँ को पोटेशियम रिच डाइट खानी चाहिए, जैसे कि बनाना है, एप्पल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल पानी है, पालक है, हरी सब्जियां हैं, इस टाइप की जिनमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो, सोडियम भरपूर मात्रा में हो, ऐसी डाइट आपको फॉलो करनी है। सोडियम से मतलब जैसे कि नमक के अंदर सोडियम होता है, तो आप लेमन वाटर यानी कि सिकंजी बनाकर पी सकते हैं, तो वो आपके लिए वैसे भी रिलैक्स फील करवाता है, उसमें विटामिन सी भी होता है और सोडियम भी होता है, तो एक साथ
दो सप्लीमेंट्स आपके पूरे होते हैं। टमाटर जो होता है वो मदर को खाना चाहिए क्योंकि ये बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को क्या है, बैलेंस रखता है। तो मदर को जो है वो खट्टे फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी होता है। इसके अलावा मदर को जो है डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि मदर की डाइट प्लान की, अब हम बात करते हैं कि फादर की डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। जो होते हैं उनकी बॉडी में जिंक जो मिनरल जो होता है उसकी मात्रा जो होती है वो सफिशिएंट होनी चाहिए क्योंकि जिंक जो होता है स्पर्म मोर्टेलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा जो मेल्स जो होते हैं उनको जो कीवी फ्रूट जो आता है वो खाना चाहिए। उसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, दूसरा जो होता है मन जो है वो उसको पतला कर देता है ताकि स्पर्म जो है वो जल्दी जल्दी फास्टली मूव करें और वाई स्पर्म दौड़ता दौड़ता आगे जल्दी पहुंच जाए। इसके अलावा पुरुषों को जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इंटरकोर्स करने से जस्ट पहले उन्हें कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेने चाहिए, जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, चॉकलेट्स हैं, क्योंकि ये जो है ये वाई स्पर्म को क्विकली बूस्ट करती हैं ताकि वाई स्पर्म जल्दी से आगे चला जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम इंटरकोर्स की, कि पति और पत्नी को बेटा पैदा करने के लिए इंटरकोर्स कब करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो वाई स्पर्म जो होता है उसका जीवन काल छोटा होता है, यानी वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो महिला जब ओव्यूलेट करने वाली हो तो उसके 12 घंटे के दौरान ही आपको इंटरकोर्स करना है ताकि वाई स्पर्म जो है वो जीवित रह सके। अगर आपने 3-4 दिन पहले इंटरकोर्स कर लिया है ओव्यूलेशन के पहले, तो जो वाई स्पर्म जो होते हैं वो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ एक्स स्पर्म ही बचते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके 4-5 दिन पहले आप साथ ना रहे हो, यानी कि आपने इंटरकोर्स ना किया हो, क्योंकि उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो स्पर्म काउंट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसलिए वाई स्पर्म जो है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में होंगे और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे बेटा होने के। दोस्तों कुछ महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि वो ओव्यूलेशन का पता नहीं लगा पाती कि वो कब ओव्यूलेट करने वाली हैं, तो इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। उसमें मैंने पूरा बहुत आसान तरीके से समझाया है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं वो वीडियो। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो डाइट प्लान बताया है उसको फॉलो करके आप अपने बेटा होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ा सकते हैं। श्योरिटी कभी भी किसी बात की 100% नहीं होती है, लेकिन ये डाइट प्लान आपको अपने मतलब कि सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी को, काफ़ी अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट देता है आपको, इसलिए आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।